नमस्कार दोस्तों, और मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं क्योंकि मेरे चैनल का नाम बदल चुका है। पहले मेरे चैनल का नाम था पॉलिटिकल एनालिस्ट न्यूज, लेकिन अब उस चैनल का नाम मैंने बदल के कर दिया हूं सत्य पुरातन। सत्य पुरातन चैनल का नाम हो चुका है क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट न्यूज जो था वो काफ़ी लॉन्ग नेम हो जा रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि पॉलिटिकल एनालिस्ट न्यूज एक चैनल है, उससे मेरी कोलैबोरेशन थी, जो अब कोलैबोरेशन टूट चुकी है। अब मैं खुद का अपना चैनल का नाम रखा हूँ सत्य पुरातन, और ये सत्य पुरातन में आपको सारे न्यूज रहेंगे, सारी खबरें रहेंगी, इसमें ब्लॉगिंग भी होगी। इस चैनल में ब्लॉगिंग इन द सेंस, मैं आपको कहीं किसी गाड़ी का या किसी जगह का मैं आपको वीडियोस बना के दिया करूंगा और उसके बारे में बताया करूंगा सत्य पुरातन चैनल में। और सत्य पुरातन चैनल में आपको हिंदूवादी बातें भी किया करूंगा मैं आपसे, और देश के बारे में भी बात किया करूंगा और विदेश के बारे में भी बात किया करूंगा सत्य पुरातन चैनल में। पहले जो था पॉलिटिकल एनालिस्ट न्यूज, वो अब मेरा नाम चैनल का चेंज हो चुका है, इसलिए अब आप लोग देखा कीजिएगा सत्य पुरातन। सत्य पुरातन चैनल का नाम है, सत्य पुरातन यही है, और ये नाम बहुत बढ़िया है सत्य पुरातन। सत्य मतलब सत्यवादी हो गया, अहिंसावादी हो गया, सत्यव्रत हो गया, तो और पुरातन क्योंकि हम लोग अभी नवीनतम में जी रहे हैं, लेकिन पुरातन हम लोग का पुराना जो कल्चर है वो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अपना पुराना कल्चर जो है वही कल्चर है, और ये जो आज का जो कल्चर आप देख रहे हैं वो कोई कल्चर नहीं है, वो भांड कल्चर है, इसे भांड कल्चर कहते हैं। इसीलिए भांड कल्चर कहते हैं क्योंकि इस कल्चर में नग्नता है, न्यूडिटी है, लेकिन आपका जो पहले का जो पुरातन कल्चर था वो देखिए कितना बढ़िया था, उसमें कोई नग्नता नहीं थी, कोई न्यूडिटी नहीं थी, हर लोग अच्छे से अपने कपड़े को वियर करते थे, पहनते थे, अच्छे से रहते थे, कोई लड़का लड़की साथ में नहीं घूमता था, किसी तरह का कोई रेप बलात्कार ये सब चीज़ ही नहीं थी। ये सब चीज़ तो अब बढ़ी है न्यूडिटी के चलते, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि रोड पे कैसे लोग क्या बिहेव हो रहा है, क्या फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखाई जा रही है, सीरियल्स में क्या दिखाए जा रहे हैं, न्यूज चैनल्स में भी आजकल क्या दिखाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन में आप सर्च करिएगा, कुछ भी निकल जाएगा। इसलिए आज का जो ज़माना है वो मैं मानता हूँ कि अच्छी ज़माना है, क्योंकि फॉरवर्ड है, काफ़ी आगे चल रहा है आज का जो नया दौर जो है, लेकिन पहले का जो दौर था वो बहुत संस्कारी दौर हुआ करते थे, संस्कारी लोग हुआ करते थे, अपने संस्कार को नहीं भूला करते थे, लेकिन अब के समय में लोग अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। अगर आप अपने संस्कार और मर्यादा को भूलोगे तो फिर कैसे अपने आगे आने वाले पीढ़ी को बताओगे कि मेरे पूर्वज लोग कितने महान और कितने वीर थे, आप नहीं बता पाओगे। चलिए आगे के मुद्दा पर चलते हैं। आज आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी दौरा, क्योंकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र भी है, और आज वहाँ पे वाराणसी में लगभग 21 लाख दियों से भी जगमग किया गया पूरे वाराणसी को, और आज आपका गुरु पूर्णिमा भी है, देव पूर्णिमा मतलब देव दीपावली भी इसे कहते हैं, सॉरी गुरु पूर्णिमा तो अभी नहीं आती है, बाद में है, देव दीपावली भी कहते हैं, देव पूर्णिमा। आज के दिन ही गंगा स्नान किया जाता है, आज के दिन करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, आज के दिन का बहुत महत्ता है। अब आज से कार्तिक माह खत्म हो चुका, अब कल से दूसरी माह की शुरुआत होगी, ये तो हो गई। और नरेंद्र मोदी जी ने आज आपने देखा होगा कैसे संत रविदास जी का मूर्ति का मालार्पण किया, फिर वहां से वो सारनाथ गए, सारनाथ में आपने देखा होगा भगवान बुद्ध की बारे में सारे कुछ जानकारी लिया उन्होंने, और वो न्यूज़ चैनल लोग वाले लोग भी लाइव दिखा रहे थे,
ये भी आपने देखा होगा। तो आज का दिन बहुत अहम और महत्वपूर्ण था क्योंकि आज 30 नवंबर है और 30 नवंबर को ही आप देखते होंगे हमेशा लास्ट ही में देव पूर्णिमा और देव दीपावली पड़ती है। लगभग मान के चलिए हर साल लास्ट ही में होता है, 30 नवंबर को ही ज़्यादातर दिन पड़ता है क्योंकि इस दिन जब आप नहा धोवा करके पूजा करके ठेकुआ खाने का प्रचलन है। तो मैंने भी आज सुबह में यही नहा धोवा करके ठेकुआ खाया क्योंकि हर लोग करते हैं, तो जो रूल है उसको तो फॉलो करना ही चाहिए, हर इंसान को रूल को फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, और हर इंसान को अनुशासन में रहना डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर समाज में बहुत दिक्कत होगी, लोग आपको असभ्य कहेंगे क्योंकि इंसान को सभ्य होना बहुत ज़रूरी है हर तरीके से, और सभ्य रहना भी चाहिए, सभ्य बोली विचार से भी रहना चाहिए और हर चीज़ से, क्योंकि अगर आप सभ्य नहीं होंगे तो समाज में भी असभ्यता फैलेगी, अगर आप सभ्य होंगे तो समाज भी सभ्य होगा। ये सभ्य होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आगे चलते हैं अब हैदराबाद के, हैदराबाद में आपने देखा होगा कल अमित शाह जी ने रैली किया था क्योंकि वहाँ पे सिविक इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कल वोटिंग भी है वहाँ पे सिविक इलेक्शंस की, लोकल बॉडी इलेक्शंस की। तो अमित शाह जी ने जब कल रोड शो किया तो काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे, ये चीज़ें गौर करने वाली है, काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे, लाखों लाख की संख्या में लोग जुटे थे उनके रोड शो में। ये चीज इसलिए गौर करने वाली है कि दक्षिण का राज्य तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना में बीजेपी की पैठ और पकड़ होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां पे तेलंगाना में तो लोग कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन पढ़ लिख करके भी वो लोग ऐसा काम कर जाते हैं, ओवैसी जैसे लोगों को वोट भी दे जाते हैं। तो वैसे जैसे लोग को तो आप लोग जानते ही होंगे वो सब कैसे लोग हैं, वैसे जैसे लोग क्या देश के बारे में सोचते हैं और देश को किधर ले जाना चाहते हैं, तो वो तो चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन भाजपा के आने से वहाँ का ट्रेंड बदला है और चेंज किया है, और ये ट्रेंड बदलना चेंज करना बहुत मायने रखता है क्योंकि अगर भाजपा आई है तो इस बार ये भाजपा सिविक इलेक्शन जो है वो पक्का जीतेगी क्योंकि इस बार बीजेपी के सिविक इलेक्शन जीत के 100% चांसेस दिख रहे हैं और जीतना भी चाहिए क्योंकि बीजेपी एक हिंदूवादी संगठन, समझे, अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे, वोट नहीं दोगे तो अगला आपको आगे मारपीट करके चले जाएंगे, आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हर इंसान को अपने संगठन को मजबूत जरूर करना चाहिए। आप घर में बैठे हो ना, आसपास अगर वो लोग आ गए तो आपको घर से निकाल के मार के चले जाएंगे, आपका कोई हेल्प और मदद करने नहीं आएगा, आप ये बात जान जाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं होती है, यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी हिंदुओं में यूनिटी नहीं। आप देखते होंगे रोड ही पे किसी के एक्सीडेंट होती है तो लोग तड़पते रहते हैं लेकिन एक आदमी उठाने तक नहीं जाता है, आखिर क्यों नहीं उठाने जाता है, आप इसी से पता लगा लीजिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके साथ कुछ होगा तो आपके आपको कोई मदद भी करने नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, अपने साथ समाज को हमेशा मजबूत रखना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, इससे आपकी यूनिटी बढ़ेगी, आपका साथ समाज बढ़ेगा, और कल हो के आपके साथ कुछ होता भी है घटना या दुर्घटना तो आपके लोग आपके साथ रहेंगे आपको बचाने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हैदराबाद का जो नाम है वो हैदराबाद है, हैदराबाद तो एक मुसलमानी नाम है, अब उसका नाम होने जा रहा है भाग्यनगर। ये योगी जी ने कहा था अपने परसों के रोड शो में कि हैदराबाद का यहाँ पर अगर सरकार बनती है, यहाँ पर अगर अभी तो सरकार नहीं बनेगी क्योंकि अभी इलेक्शन है नहीं, वो तो तेलंगाना का तो विधानसभा के इलेक्शन में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी तो उससे बीजेपी मजबूत होगी, अगर बीजेपी मजबूत होगी वहाँ पे तो फिर जो आपका विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी, अगर वहाँ पे बीजेपी जीतती है तो हैदराबाद का नाम चेंज होकर के भाग्यनगर होगा क्योंकि हैदराबाद का पहले का नाम भाग्यनगर ही था, बाद में जब मुगल आक्रांता लोग आए और यहाँ पे कब्जा किया हिंदुस्तान पे तो वो लोग काफ़ी शहरों का नाम उन्होंने बदल दिया था।
क्योंकि शहर का नाम बदलना सबसे आसान था उस समय, क्योंकि लोग तो बोलने वाले है थे नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्शन करने वाले थे नहीं, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्शन करते तो वो मारे जाते, उन्हें किसी न किसी तरह मार दिया जाता, इसीलिए वो लोग डर के मारे ऑब्जेक्शन नहीं किए। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से शहर का नाम बदला जा सकता है। और आप जानते होंगे 185% आज भी राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, और वहाँ पे काफ़ी सारे कानून और बनने जा रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ और ये नामकरण के खिलाफ, क्योंकि नाम भी बदलने का काफ़ी सारे शहर का है। और मेरा मानना बदलना भी चाहिए, क्यों हम आक्रांता के नाम पे किसी भी शहर का नाम रखें और जो लूटपाट करने आए थे उनके नाम पे हम किसी भी शहर का नाम रखें। आप देखते होंगे कई सारे देश में जो आक्रांता और अंग्रेज जो आए थे लूटपाट करने के लिए और अपना शासन चलाने के, वो लोग गए तो उस जगह का, उस क्षेत्र का भी नाम बदल दिया लोगों ने, वहाँ के बासिंदों ने। ये चीज़ बहुत अहम बात मैं कह रहा हूँ आपसे, इसलिए आप लोग देखते रहिए सत्य सनातन चैनल, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को भी आगे बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचेगी और लोग को जानकारियाँ भी मिलेगी। धन्यवाद।